हाँ जी बच्चे, अब आप पेज नंबर 92 पर हम कुछ और शब्द पढ़ेंगे जो कि ड, ढ और ओ से बने हैं। ड, ये देखो आपने ये पढ़ा हुआ ना, ड डमरू, उसके नीचे जब बिंदी लग जाती है तो वो ड बन जाता है। और ये क्या है? ढ ढक्कन। ढ ढक्कन के नीचे जब बिंदी लगती है तो पढ़ाई, जैसे हम बोलते हैं ना पढ़ाई, तो वो ये वाली साउंड आती है। ये क्या है? ओ। जब हम टॉफी, कॉफ़ी ऐसे वर्ड बोलते हैं तब हम इसके ऊपर ये वाली मात्रा लगाते हैं, पूरा ये नहीं लिखते हैं, और मात्रा ऐसे आ की लगा के और उसके ऊपर ये चांद बिंदु, चांद बनाते हैं ओनली, नो इस पे बिंदी हम नहीं लगाते हैं। अब बच्चों, अब हम ड के, ड का प्रयोग कहाँ पर होता है ये देखते हैं। जैसे देखो ये क्या बनी हुई है? सड़क। स ड क, इसको हमने क्या बोलना है? ड। ड नहीं बोलना, अगर हम इसको ड बोलेंगे स डक बन जाएगा, सडक थोड़ी बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? सड़क। तो स ड क, सड़क। पकवा पा प ड, पापड़। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने इनको पढ़ना है। ढ, अब ढ के वर्ड पढ़ेंगे हम। प ढ नको आ, पढ़ना। च ढ नको आ, चढ़ना। ये हमारे ढ के शब्द हो गए। अब हम ओ का प्रयोग सीखेंगे। देखिए ब को आ की मात्रा लगी है और ऊपर ये क्या लगा है? उसका आगत चिन्ह लगा है, इसको हम आगत चिन्ह बोलते हैं, आगत व्यंजन भी बोलते हैं। बो ल, फ्रो, फ के पैर में पदेन लगी है ना र की मात्रा, फ्र ओ, फ्रो क, इसमें नुक्ता भी लगा है, आगत चिन्ह भी लगा है, तो ये क्या बन गया? फ्रॉक। अब कुछ और शब्द हैं, इनको भी हम पढ़ते हैं। प हकुआ पहाड़, पहाड़। पकड़, पकड़। ग को छोटा उ गु, ड को छोटी डी, या गुड़िया। प ढकुआ ई, बड़ी ई, पढ़ाई। ब ढ ई, बढ़ई। ब ढ नकुआ, बढ़ना। क को आ कौ, और जब ऊपर आगत चिन्ह लग गया तो ये क्या बन गया? का नहीं बना, ये क्या बन गया? कौ। क्या बन गया? ये ओ, ओ की साउंड आती है, इसे ओ की आवाज़ देता है ये। कौ फी, कॉफी। टो फी, टॉफी। ऐसे ही आपने इन शब्दों को पढ़ना है। अब मैं कुछ आपके सामने ये वाक्य भी आपको पढ़ाती हूँ। सड़क पर चलती गुड़िया रानी, पढ़ती लिखती बढ़ती रानी, सुंदर फ्रॉक पहनती रानी, दिन भर हंसती रहती रानी। ठीक है, आपने इसको भी पढ़ना है, और ये कुछ शब्द नीचे लिखे हैं उनको आपने लिखना है और उनका उच्चारण करना है। धन्यवाद।